नमस्कार, सुबह 10 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं आप, देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। और चौथे चरण में गारंटी पर वोट युद्ध छिड़ गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या वार पलटवार हो रहा है, आपको बताएंगे। अब तक 3 चरण का मतदान हो चुका है और अब 13 मई को चौथे चरण के लिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण में बयानबाजी का पारा काफी हाई नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार, मंगलसूत्र, संपत्ति टैक्स, घुसपैठिया, परिवार से आगे बढ़कर गारंटी पर, ये चौथा चरण का जो प्रचार है वो आ चुका है। राहुल गांधी ने दावा ये कर दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार आते ही वो रोजगार भरोसा स्कीम लागू भी कर देंगे। राहुल गांधी ने जो कहा उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के बीच है। राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी वर्सेस मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। ऐसे में सवाल यह है कि चौथे चरण में चुनाव गारंटी पर क्यों आया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जनता को किसकी गारंटी पर दरअसल भरोसा। बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, चौथे चरण से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो भर्ती भरोसा स्कीम लेकर आएंगे। राहुल ने कहा कि स्कीम के तहत 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 15 अगस्त तक 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वादा राहुल गांधी की ओर से कर दिया गया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, ये बड़ा दावा भी किया गया, सुनिए जरा। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। तो राहुल गांधी को आपने सुना, अब अमित शाह को सुनिए। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार सामने आया है, दरअसल बड़ा हमला बोला अमित शाह ने। ये कहा कि ये चुनाव 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि चाइनीज गारंटी वर्सेस भारतीय गारंटी का 2024 का चुनाव है, ये चुनाव जिहाद के खिलाफ विकास का है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध, देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तो चौथा चरण आते आते गारंटी पर बात होने लगी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आपसे तारुफ करा दें। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितु चौधरी, प्रवक्ता है कांग्रेस की, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए। और आकुश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शिवम, चौथा चरण आते आते ही सही, इस बात की एक तसल्ली है और इस बात की एक खुशी भी है कि जनता के सरोकार पर बात होने लगी, वो मुद्दे जो वाकई में मायने रखते हैं उन पर बात होने लगी, बात गारंटी की होने लगी। अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ कि गारंटी की बात होनी चाहिए, वो जनता के सरोकार के मुद्दे जो है उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन ये बात कब से नहीं हो रही, आप मुझे बताइए। ये तो इंदिरा जी के समय से हो रही है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, सरोकार की बात है। लेकिन सरोकार की बात कितना पूरा हुई है देश में, यही बात आगे राजीव जी ने कंटिन्यू करी, यही बात आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसी में पहले UPA 1 UPA 2 भी रहकर चला गया। 58 साल के बाद अगर दादी से लेकर पोते तक आते हुए वही बात हो रही है और जिस पर कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो लाइए सरोकार की बात करें, लेकिन बात पर कितना काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जब हिमाचल में सरकार आई तो उससे पहले कहते रहे प्रियंका जी जाकर हर जगह कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। जैसे ही सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि आप नौकरियों का क्या होगा, कहते नहीं नहीं वो हमने नौकरी कहा नहीं, हमने तो रोजगार कहा था। तो मैं मानता हूं कि इस देश में गारंटी सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जहां तक बात कांग्रेस की है, मैं मानता हूं कि जाहिर है
जब इनको फुर्सत मिल जाए वोट जिहाद से, जब इनको फुर्सत मिल जाए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के काम से, जब इनको अपीसमेंट और इन तमाम चीजों से फुर्सत मिल जाए, तो हाँ देश के आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन तक भी नजर पहुंचे तो बेहतर है, वरना वोट जिहाद में लगे इससे बाहर निकल ही नहीं रहे। इनकी गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी, इसकी कोई गारंटी है ही नहीं टिकने की। ठीक है, बड़ी बात कही शिवम आपने। रितु चौधरी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डंके की चोट पर कहा जा रहा है अमित शाह की ओर से कि आपकी गारंटी चाइनीज गारंटी है और ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। देखिए बिल्कुल, ये चुनाव जो है ये जो है आने वाला भविष्य तय करेगा, और आने वाला भविष्य जो है कि नरेंद्र मोदी जी अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और किस बात पर 10 साल से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल काल्पनिक इनके मुद्दे हैं। निधि, काल्पनिक मुद्दे कैसे हैं कि ये बात करते हैं मुसलमानों की, ये डर दिखाने की बात करते हैं कि मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, आपकी भैंस चुरा ली जाएगी, आपका सामान चुरा लिया जाएगा, इस तरह की। आप जर्नलिस्ट हैं, आप इतने बड़े नेशनल चैनल पर बैठे, आप खुद बताइए क्या ये इस तरह का कुछ इस देश में है या पिछले 70 साल में कभी था? कभी भी इस तरह की कोई समस्या रही है? ठोस मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं, हम बात करते हैं कि 30 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं, इनके इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनके पास वही मांस मछली और भैंस का मुद्दा है। हम जब बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तब इनके पास कोई बात नहीं होती है, उल्टा इन्हीं के जो इनके जो साथी हैं, जो मोदी का परिवार है, वो पूरा पूरा जो है बलात्कारियों का भरा हुआ है। जब हम बात करते हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, उस पर ये जो है बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी उस पर जवाब देने को तैयार नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप है और तमाम भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर खड़े रहते हैं, तमाम बलात्कारियों को जो है साथ लेकर खड़े रहते हैं। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, हम बात करते हैं महिलाओं को जो है उनको उनको एक गारंटी देते हैं कि हाँ हम आपको जो है आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। हम ये बात करते हैं, हम बात करते हैं समानता की कि हम आएंगे तो जनगणना कराएंगे उसके हिसाब से। लेकिन एक चीज जिसने सबका ध्यान खींचा है ऋतु जी, वो ये है कि हर चरण के साथ चुनावी मुद्दे भी हर पार्टी के लिए बदलते गए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका मैं रुख कर रही हूँ। यहाँ पर अखिलेश और राहुल एक बार फिर से एक साथ है, इस जोड़ी को प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से फेल बताते रहे कि पहले भी तो साथ आए थे, इस बार भी साथ आए हैं, काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, और अब तो अखिलेश यादव बीजेपी की हार की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से इस देश को जिस तरह से मिसलीड किया है, देश का कोई भी सेक्शन हो चाहे युवा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि उनकी गारंटी है। झूठ की गारंटी है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बताएंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। इस देश का युवा जानता है कि देश के प्रधानमंत्री कितने सीरियस है उनके मुद्दों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के और देश के बुनियादी मुद्दों को लेकर के। ये बात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ रही है कि इस चुनाव में इधर उधर की बात नहीं चलेगी। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कभी हिंदू प्रस्थान कर देंगे, मतलब इतने निचले स्तर तक इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा। जब मंगल सूत्र पर आके बात करना शुरू कर दिए हों और नारी अस्मिता नारी सम्मान को इस तरह से शर्मसार किया हो इस देश के प्रधानमंत्री ने, ये कभी शोभा भी नहीं देता है। और भारत समाज में खासकर जो महिला सम्मान और नारियों का जो इतना बड़ा वादा है उस पर कभी शोभा नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में क्या नहीं किया आप समझिए। भ्रष्टाचारियों का पूरा गठजोड़ बना दिया, गोदाम बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बलात्कारियों को माला पहनाने से लेकर के बेटियों को निर्वस्त करने से लेकर के बलात्कार से लेकर के जलाने से लेकर के जितने न्यूनतम और जघन्य अपराध हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा होगा। फिर तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब, और सुनिए मैं अगर सीमा सुरक्षा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को चाइना के प्रधानमंत्री के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूठा झूठते हैं। ये शायद भारत की याद पहली बार होगा जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन देश है उसके प्रधानमंत्री के साथ झूठा झूले बैठ के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाते हैं जैसे प्रधानमंत्री जो भारत का दुश्मन है उसका बिरयानी खाने चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, आप अगर 10 साल का रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, तो आप किस बिना पर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आधार है, आप क्यों आपको चुने जनता, ये भी तो फिर आपको बताना होगा, आपका एक्शन प्लान भी बताना होगा। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है इसी सवाल के साथ। अक्कू जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कह दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जैसे ही 15 अगस्त आएगा 25 लाख भर्तियों पर हम काम करेंगे, हो जाएगी नौकरी, ये नौकरियों का भरोसा दिलाया गया। आकू जी,
तो अब पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से और लगातार ये कही गई बात की तीसरे कार्यकाल की बात हो रही है, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया गया है, अब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। सच बात तो यही है कि जो आपका एजेंडा है उस पर बात की जानी चाहिए, जिस जो आपको डिलीवर करना है उस पर बातचीत की जानी चाहिए, और अब तक आपने जो डिलीवर किया है उस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर डिलीवरी पर विश्वास किया जाना है तो एक आदमी आज से 5 साल पहले 2000 रुपये 4 महीने में देता था, साल में 6000 रुपये देता था, और राहुल गांधी ने वायदा किया कि 72000 रुपये हम देंगे। किसकी डिलीवरी पर विश्वास किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने डिलीवरी कर दी थी और जिन्होंने वायदा किया उनके वायदे पर विश्वास नहीं किया गया। आज इसी तरीके से आप जब बात करते हैं युवाओं की, महिलाओं की, और आप कह देते हैं, हमारे 3 प्रवक्ता बैठे हैं, एक विपक्ष के एक वो है, आप ये बताइए कि अगर आप हर महिला को 1,00,000 रुपए सालाना देंगे तो कितना पैसा दिया जाएगा? जरा जोड़ के अभी बता दें मुझे, 10 सेकंड में तो मैं जान जाऊं आपको। नहीं देखिए, तो एक बात तो आपको जी आपने बहुत अच्छी कही है, वो ये है कि जिन बातों जो काम आपने किए हैं उस पर दरअसल बात। हाँ, कंप्लीट कीजिए। तो ये कहां से आएगा? 25,00,000 नौकरियां देना ठीक है, अच्छी बात है, नौकरियां दी जानी चाहिए अगर उसकी जगह बनाई जाए और काम की जगह बनाई जाए, निठल्ले बना करके बैठाने की जगह नहीं बनाई जाए। जिस देश में अब AI का दौर आ रहा है उससे कैसे आप बच्चों को स्किल करना चाहिए, ये ज्यादा बड़ी बड़ी लड़ाई है, ना कि आप किसी को अभी रोजगार एक थोड़ा सा छोटा सा दे दें और फिर बाद आप में उसको बेकार हो जाए। वो उसको स्किल बनाया जाए, इसके बड़े बड़े सेंटर कैसे होंगे, इसमें कैसे लोग आएंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग जाएगी, कैसे लड़ाई होगी, तो ये ज्यादा बड़ा काम है। ठीक है, उस पे बात सीधे बात नहीं हो रही है, हवा हवाई की बातें हो रही है। मतलब गारंटी भर देने से नहीं होगा कुछ, रोड मैप उसके लिए कुछ तैयार है या नहीं, ब्लूप्रिंट उसका तैयार है नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच तेलंगाना में अमित शाह का वादा, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी की जीत पर मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, ये बड़ी बात कही गई है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। SC ST और OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं, मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया, परंतु तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर ST, SC और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए, भोंगीर में हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर SC, ST और OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे। रितु जी, आपने अमित शाह को सुना, बार बार मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप पर आरोप लगाया जा रहा है, आज खुलकर बताई दीजिए टेलीविजन पर कि आखिर क्या है आपका एजेंडा मुस्लिम आरक्षण पर। रितु जी सुन पा रही हैं आप? रितु जी आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूं। मुस्लिम आरक्षण पर बार बार आप पर प्रहार किया जा रहा है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप मुस्लिम आरक्षण यानी धर्म के आधार पर आरक्षण लेकर आएंगे। आज बताई दीजिए खुलकर कि क्या प्लान चल रहा है। राहुल गांधी जब नौकरियों पर बात करते हैं तो खुलकर ये भी बात कर लें। बिल्कुल दीदी, हमने खुलकर बात की है, हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा लाखों में जो है मैनिफेस्टो जो है वो डाउनलोड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जनता ये सच जानना चाहती थी कि मोदी जी जो स्टेट से बोल रहे हैं वो सच है या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है। हमने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं, क्योंकि ये जो है संविधान के मौलिक जो उसूलों को का उल्लंघन करता है। कभी हमारा संविधान जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात ही नहीं करता है, तो जब जो संविधान बात नहीं करता है वो कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती। तो हमने ये कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा रूट मैप लेके आई, उन्होंने कहा कि हम जो 30,00,000 पद जो खाली पड़े हैं, आप SC ST OBC को उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनके पद खाली पड़े हम पद भरेंगे। हमने कहा
कि हम जो है आरक्षण जो खत्म करने के लिए कह रहे हैं ना 400 पार लेके आइए, हम संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। इसलिए 400 पार चाहिए इन्हें, इसलिए 400 पार चाहिए ताकि आरक्षण को खत्म कर सके। और हम सुनिश्चित करते हैं कि आरक्षण को परमानेंट खत्म करेंगे, कि ईडब्ल्यूएस का 10% और प्लस एससी एसटी ओबीसी का जो उनका। लेकिन आज आप चूंकि सभी अलग अलग दलों के नेता यहाँ मौजूद है, तो बड़ा जरूरी है कि ये क्लैरिटी आप जनता को टीवी 9 के इस यहाँ प्लेटफॉर्म से ही दे दीजिए। शिवम, इस चुनाव में 2024 की अगर आप बात करें तो मुद्दे क्या है, बीजेपी की अगर बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि हर मुद्दे पर हमने बातचीत सुन ली अब तक, वोट जिहाद भी सुन लिया, मंगलसूत्र भी सुन लिया, विरासत टैक्स भी सुन लिया। प्रतिमा जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ऋतु जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल झूठी है। हम कहती धर्म के आधार पर तो हम आरक्षण देने की बात ही नहीं करते। वो शायद जानती नहीं है, उनकी तेलंगाना सरकार ने कहा है कि ये जो 4% आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिमों को धर्म के आधार पर, खासतौर पर तेलंगाना में, इसके लिए उनके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, अभी पिछले दिनों जब ईद की इफ्तारी में थे, उन्होंने खुद कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि बड़े बड़े वकील खड़े करें और ये आरक्षण जो है ऐसे का ऐसा ही रहे, ये होना चाहिए। कर्नाटका में मुस्लिमों की सारी जातियों को धर्म के आधार पर आपने ओबीसी में घुसा दिया है। आंध्रा में आप ऑलरेडी 4 बार कोशिश कर चुके हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने की। हिंदुस्तान में 2004 से 14 UPA 1 UPA 2 के समय में 5 बार आपने मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की है, वो तो कोर्ट ने गिरा दिया वरना दे दिया होता। मनमोहन सिंह जी ने मुस्लिम पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, फिर रिपीट करके बोला है। विषय साफ है, हमारा एजेंडा क्लियर है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कहा तेलंगाना में कि सुनिए भाई, अगर हम यहाँ पर आते हैं हमें अगर प्लीज बीच में मत बोलिए। आपका रुख करेंगे, पहले शिवम की बात सुन लीजिए, फिर आप इसी पर जवाब दे दीजिएगा, एक एक करके। जो चीज है नहीं, ये डॉक्यूमेंट में शिवम त्यागी हवा में नहीं बोल रहे भाई, ये पेपर्स है, सारा देश जानता है, कांग्रेस कुछ नहीं। मैंने आपके चैनल पर क्लियर किया है कि झारखंड के आरक्षण के लिए रितु जी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, शिवम अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपको मौका दिया जाएगा, प्लीज। थैंक यू। तो कृपया करके मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ रितु जी को, और भी कुछ नहीं कर सकती तो फोन उठाए, गूगल कर ले, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपने आरक्षण दिया और कहाँ कहाँ मुस्लिमों को देने की कोशिश की। विषय साफ है, आदरणीय गृहमंत्री जी ने कहा हम अगर आएंगे, हमारी अगर 10 सीटें आप तेलंगाना में लेकर आएंगे तो हम वो 4% आरक्षण हटाएंगे, और हमें हटाना ही है। कर्नाटका में जिस तरीके से चीजें हुई है, ओबीसी कमीशन में ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और वो उस पर काम कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा भी मैं कहीं बात करूं, जो तमाम चीजें तमाम जगह गलत तरह का आरक्षण देने की बात हुई है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की उन्होंने बात की, हमने विरोध किया। हमारा एजेंडा साफ है, देश में ध्रुवीकरण नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा, संतुष्टीकरण की बात होगी, नौकरियों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, एजेंडा भी क्लियर कर दिया, काफी क्लैरिटी के साथ आपने बोला आज शिवम। ऋतु जी साफ तौर पर ये कह रहा है कि उदाहरण तो आपका कर्नाटक है, तो फिर आप कैसे मुकर सकते हैं या कैसे पीछे हट सकते हैं? तो क्या प्लान ये है कि अगर आपकी सरकार आ गई तो आप करेंगे? फिर देखिए, जो कर्नाटका में जो आरक्षण दिया गया वो पिछड़ेपन के आधार पर जो है वो आरक्षण दिया गया था, और उसको इनके सहयोगी दल जो है देवेगौड़ा जी, उन्होंने भी प्रोसीड किया, और वो इस बात का दावा भी ठोकते हैं कि मैंने जो है आरक्षण दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं इस चीज को हम लोग पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर आरक्षण जैसी कोई भी चीज संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती, और जो चीज संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर नहीं करेगी। इनका केवल एजेंडा है जो है जनता को भड़काना। लेकिन कर्नाटक पर आप लोग फंसे जरूर है ऋतु जी, आप कुछ भी कहिए, कर्नाटक में जिस तरीके से रिजर्वेशन में शामिल किया गया है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे, क्योंकि ऐसा हुआ है। आपको जी बिल्कुल सही है कि ये हुआ है, और ये कोशिश एक बार नहीं है, जैसे कि अभी शिवम जी ने बताया कई दफे हो चुकी है, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, और वायदे बार बार बाहर जगह पे भी, और टीएमसी भी ऐसे वायदे करती रही है और उसके वायदे ही नहीं करती रही। वो तो कई जगह उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कह करके ये बात किया है और उसको लागू भी किया है। अगर आज वहां पर 25,000 शिक्षक के घोटाला हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, अब हम सब ने देखा कि किस तरीके से वहां की सरकार को लताड़ लगाई है, उसमें जो डाटा आ रहा है वो सबूत है,
उसमें ये आ रहा है 18,000 लोग जो है क्लिप्स को किया गया है। अब ये सही है गलत है मैं नहीं कह सकता आज की तारीख में अभी, क्योंकि बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन जो छन करके चीज आ रही है वो 18,000 मुस्लिम्स को वहां पर भर्ती किया गया, ये सब कैसे ये सामने आ रहा है, कैसे चीजें दिख रही है, मुझे ये समझना होगा और देश को समझना होगा। आप जो वायदे, कोई भी जो आदमी वायदा करेगा, मैंने जो अभी पिछला सवाल छोड़ा था उसके हिसाब से 30 लाख करोड़ रुपया इस फंड में चाहिए, जब 1 लाख हड़ताल को महिलाओं को दिया जाना होगा 30 लाख करोड़। भारतीय बजट जानते हैं कितना आप है, कितना उसमें खर्चा होना होता, बचेगा क्या फर्क, 5 लाख करोड़ बचेगा हमारे पास, उससे क्या कर लेंगे आप, क्या कोई डेवलपमेंट नहीं बाकी, नौकरी नहीं बाकी, और किसी को काम नहीं, सेना नहीं, आपको जी, मतलब लबो लुआब ये है कि इस बार गारंटी पर बात हो रही है दोनों ओर से, दोनों खेमे में, चाहे कांग्रेस के खेमे में भी और बीजेपी के खेमे में। आऊंगी आकू जी आपके पास, मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया, मैं धर्मेंद्र यादव के पास भी जाऊंगी इसके बाद। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कांग्रेस को पाकिस्तान से प्रेम क्यों है, ये गिरिराज सिंह ने सवाल पूछा। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मोहताज है। हम यही कहेंगे दोगली नीति कांग्रेस छोड़े, हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा, ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। और इस बीच बता दें मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत ये न भूले कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, ये भी उनकी ओर से कहा गया कि बंदूक लेकर घूमने से हमें क्या मिला, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत नहीं मिली तो वो एटम बम के बारे में सोचेगा, लाहौर में बम फूटा तो अमृतसर तक असर होगा। रितु जी, जब कांग्रेस ये कहती है कि मुद्दों पर बात नहीं होती है तो मैं अग्री करती हूँ आपसे 100% कि हाँ मुद्दों पर बात नहीं होती है चुनाव में, लेकिन चुनाव का मुद्दा पाकिस्तान कैसे हो जाता है, आपके नेता क्यों पाकिस्तान के बारे में इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान तो नहीं है, कांग्रेस तो वो पार्टी है जो पाकिस्तान के दो टुकड़े करती है, कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जो फर्जी बातें जो है करती है, कांग्रेस जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, ये कर देंगे, आज तक तो कुछ किया नहीं, क्या किया इन्होंने ये बताइए मुझे, ये तो वहां पर जाके बिरयानी खाने चले गए, उनके लिए बाकायदा गिफ्ट लेके जाते हैं। तो रितु जी, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा ना, आपने कहा ये आधिकारिक बयान नहीं है, तो संविधान संशोधन की जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे थे, बीजेपी ने भी कहा कि उनका आधिकारिक बयान नहीं है, मतलब कुछ भी बोलकर जाया जा सकता है, चलेगा? देखिए मैं बताऊं आधिकारिक बयान भाजपा का कैसे है, उसका एक कारण हमने बोला कि आपने आपके जो आधिकारिक जिनको टिकट दिया आपने, जो आपके होने वाले सांसद हैं और जो कानून बनाने की कुव्वत रखते हैं, वो लोग अगर ये बात करेंगे तो आधिकारिक बात होती है निधि जी। लेकिन रितु जी, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई, मणिशंकर अय्यर, नहीं एक मिनट, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा जैसे नेता पहले बोल लेते हैं फिर आप कहते हैं कि उनका निजी बयान है, तो ये तो डैमेज कंट्रोल वाली बात है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले बयान दिया जाता है फिर उसके बाद पलट दिया जाता है, कहा कि ये निजी बयान है उनका, इस तरह के बयान दिए क्यों जाते हैं, और पाकिस्तान की एंट्री देश के चुनाव में होनी क्यों चाहिए, क्यों पाकिस्तान को तरजीह दिया जाना चाहिए इतना कि देश के चुनाव में बात हो रही है? धर्मेंद्र यादव से संपर्क टूट गया है जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी सुना। तो क्या आपका जवाब होगा, क्यों पाकिस्तान को बार बार सामने लाया जाता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, भारतीय जनता पार्टी अगर रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती है तो पाकिस्तान का नाम लेती है, अगर वो किसान के मुद्दे पर बात नहीं कर पाती है तो पाकिस्तान का नाम लेती है। हम तो कह रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती हम खत्म कर देंगे, अब भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि अग्निवीर भर्ती को चालू किया था, मुझे पेंशन देना पड़ेगा इसलिए चालू कर दिया था, पेंशन कहाँ जाती है,
भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो कर्मचारियों के पेंशन वो कब देंगे भाई शिवम, ये तो बीजेपी का प्रॉब्लम है, मुद्दों पर बात नहीं करनी है तो पाकिस्तान को तो आप लेकर आते हैं। शिवम जल्दी से जवाब, माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी कि जो आपने कहा उस पर बीजेपी के प्रवक्ता भी जवाब दे दे। बात आने दीजिए, मेरी बात आपने एक बार नहीं, मैं आपका आरोप तो समझ ही गई ना, आपने कहा कि मुद्दों पर बात नहीं करनी होती है तभी पाकिस्तान का जिक्र होता है, यही कह रहे हैं ना। जल्दी प्लीज, जल्दी सर, समय की कमी है प्लीज। मैं अक्षी का बता रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश के पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी कॉर्पोरेशन उसके पास नहीं होती है। चलिए, जबकि देश के 22 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 70 करोड़। जवाब भी तो ले लीजिए, ठीक है शिवम, जवाब दीजिए। शिवम जवाब दीजिए, आपका है देखिए, अभी अभी युवाओं की बिठाने की बात कर रहे थे, देश के युवाओं को बिठाने के लिए, देश के युवाओं की बात रखी आपने, शिवम को आप कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, सुन लिया सबने, देश में आईआईटी ग्रेजुएट भी, अरे आरोप पर जवाब ले लीजिए धर्मेंद्र जी, प्लीज हैव पेशेंस, आईआईटी ग्रेजुएट रुकिए ना प्लीज। हाँ शिवम जल्दी, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि ये तो मनीष शंकर अय्यर हो और चाहे सैम पित्रोदा हो, इन तो इतना प्यार क्यों है बार बार, ये भारतीयों को डरा क्यों रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास एटम बम है, एटम बम है, एटम बम। अरे इतने क्यों डरे हुए हो भाई, मनीष शंकर अय्यर के सर पे अकेले नहीं गिरेगा बम, और सैम पित्रोदा के सर के पे अकेले नहीं गिरेगा, ये हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, कोई डर रहा नहीं है, उल्टा आतंकवादियों को मारने की बात करता है ये भारत, और ये कहते हैं ये हिंदुस्तानियों को डरा रहे हैं कि बम है उनके पास, बम है, देख लेंगे भाई बम है तो उसको भी देख लेंगे। और ये जो कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके काम अगर इज्जत करने वाले होंगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर काम उनके तमाचा मारने वाले होंगे, काम उनको उन्हीं की भाषा में मारने वाले होंगे, काम वहां के आतंकवादियों को उनको वापस 2.5 फीट धरती में गाड़ने वाले होंगे, तो उनके साथ वही होगा। ठीक है, मूल बात ये है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और अगर पाकिस्तान को बार बार देश के चुनावों में घसीटा जाएगा तो फिर तो भाषा भी वैसे ही निकली जा रही है, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो, अपना अपने बयान से जो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया कि उनका निजी बयान है। आकू जी मैं आपके पास आ रही हूँ, इस बार जो चौथे चरण का प्रचार है, आपको लगता है ये गारंटी पर बातचीत हो रही है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गारंटी पे बात होगी, क्योंकि गारंटी पे बात करने की पहले कोशिश बहुत सारी हो चुकी है और वो कोई चढ़ नहीं पाई सिरे पर, और खास तौर से वही जो इतनी सारी अगर आप गारंटी घोषित कर देंगे, हम इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कहाँ से लाएंगे, तो वो गड़बड़ा जाएगा। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ नहीं है, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से निचले वर्ग को दीजिए, उससे काम उससे लीजिए, उसको ये बड़ी बात आपने कही सर, माफी के साथ आपको रोक रही क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये बात साफ है, वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि चुनाव में गारंटीज तो बहुत दी जाती है, लेकिन उन्हें आप पूरा कैसे करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट भी आपको जनता के सामने रखना होगा।